नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, ऑनलाइन निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट की तैयारी हेतु मैं रोज़ आपके लिए 10 प्रश्न लेके आता हूँ। आज भी मैं 10 प्रश्न लेके आया हूँ पार्ट नंबर 34 में। इससे पहले हम पार्ट 33 बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में 33 पार्ट्स देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने कुछ वीडियो के लिंक डाले हुए हैं, आप उस पर क्लिक करके 33 पार्ट्स देख सकते हैं। क्योंकि जल्द ही मध्य प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा कॉम्पिटेंसी टेस्ट होने वाला है और मुझे लगता है अगर मध्य प्रदेश में टेस्ट होगा तो संभवतः अन्य प्रदेश में भी ये टेस्ट हो सकता है। तो इसलिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं प्रत्येक दिन 10 प्रश्नों को लेकर। तैयारी करने के क्रम में हम मॉड्यूल नंबर 13 पर पहुँच चुके हैं। देखते हैं आज के इस पार्ट में कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और उनके क्या क्या उत्तर होंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं हमारे पार्ट नंबर 34 में। सबसे पहला प्रश्न है, विद्यालय विकास के क्षेत्र हैं दल का निर्माण एवं नेतृत्व, विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व, साझेदारी का नेतृत्व या उपरोक्त सभी। तो जो विद्यालय विकास होता है उसके क्षेत्र के अंतर्गत दल का निर्माण और नेतृत्व भी आता है, विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व इसके अंतर्गत ही आता है और साझेदारी का नेतृत्व भी इसके अंतर्गत आता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही होगा, हम उपरोक्त सभी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने है, फिल इन द ब्लैंक्स पुरस्कार दंड अथवा प्राधिकार के उपायों के बिना अन्य व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाने की क्षमता है। यानी आप ना तो उसको पुरस्कार दे रहे हैं ना दंड दे रहे हैं अथवा तो प्राधिकार के उपाय का भी यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अन्य व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव लाने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, शक्ति, प्रभाव या प्राधिकार। तो उसको हम प्रभाव का नाम देंगे। आप अपने प्रभाव से बिना पुरस्कार दंड और प्राधिकार दिए, प्राधिकार का उपयोग किए अन्य व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं, तो उसको प्रभाव कहा जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, विद्यालय विकास के मुख्य क्षेत्र कितने हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 6, 7, 9 या 8। तो साथियों, विद्यालय विकास के मुख्य जो क्षेत्र होते हैं वो 7 होते हैं। हमने जब हमारा मॉड्यूल चल रहा था हमने देखे थे इसके 7 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? सबसे पहला क्षेत्र होता है विद्यालय नेतृत्व का दृष्टिकोण, दूसरा हमारा क्षेत्र होता है स्वयं का विकास, तीसरा क्षेत्र हमारा होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का रूपांतरण, और चौथा क्षेत्र होता है दल बनाना और दल का नेतृत्व करना, और पांचवा होता है नवाचारों का नेतृत्व, छठा हमारा होता है साझेदारियों का नेतृत्व, और सातवां होता है विद्यालय प्रशासन का नेतृत्व। तो इसके 7 क्षेत्र होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, आपदा प्रबंधन के लिए विद्यालय प्रमुख में कौन कौन से गुण होने चाहिए। यानी कि कोई आपदा आ जाए उसका प्रबंधन विद्यालय प्रमुख किस तरह से कर सकते हैं। प्रतिरोध क्षमता एवं लचीलापन बिल्कुल होना चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, अभिभावक एवं समुदाय से समुचित सहयोग लेना ये भी विद्यालय प्रमुख में होनी चाहिए, रचनात्मक विचारों को मूर्त देना ये भी विद्यालय प्रबंधन में गुण होना चाहिए। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही होगा, हम उपरोक्त सभी पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 हमारे सामने है, पुरस्कार और दंड के हथकंडे को अपनाकर लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की क्षमता का दूसरा नाम। हमने पहला पढ़ा था पुरस्कार और दंड के हथकंडे को बिना अपनाए दूसरों के व्यवहार में अगर हम परिवर्तन लाते हैं तो उसको तो हम प्रभाव कहते हैं, लेकिन अगर आप पुरस्कार और दंड के हथकंडे को अपनाकर दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं या इस क्षमता को क्या कहते हैं, प्राधिकार, शक्ति या प्रभाव, तो इसको हम शक्ति का नाम देंगे। प्रभाव बिना दंड के है और दंड से अगर आप व्यवहार में क्षमता में परिवर्तन लाते हैं तो उसे शक्ति कहेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 हमारा है, मॉड्यूल 13 के उद्देश्य हैं।
विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए कौशल और दृष्टिकोण प्राप्त करना। नंबर दो, विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण को समझना और विकसित करना। नंबर तीन, छात्र अधिगम और गुणवत्ता सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व विकसित करना या उपरोक्त सभी। तो साथियों, मॉड्यूल 13 के हमारे उद्देश्य ये सारे हैं। विद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए कौशल दृष्टिकोण प्राप्त करना भी इसका उद्देश्य के अंतर्गत आता है। विद्यालय नेतृत्व के दृष्टिकोण को समझना और विकसित करना भी इसके अंतर्गत आता है। और छात्र अधिगम और गुणवत्ता सुधार हेतु अकादमिक नेतृत्व विकसित करना ये भी इसके अंतर्गत आता है। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, वह अधिकार है जो किसी वैधानिक नियम से मिला है। प्रभाव, प्राधिकार, शक्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी वैधानिक नियम से जो अधिकार मिलता है उसे प्राधिकार कहते हैं। तो आपके तीन तरह के हुए, प्रभाव, शक्ति। शक्ति आपका दंड से आप किसी का व्यवहार चेंज करते हैं, प्रभाव यानी कि आप बिना दंड का यूज करें, और जो नियम वैधानिक रूप से मिलता है उसको आप प्राधिकार कहते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है हमारा, मॉड्यूल 13 का नाम क्या है? विद्यालयी शिक्षा में नई पहल, विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग, गणित का शिक्षण शास्त्र या विज्ञान का शिक्षण शास्त्र। तो साथियों, हमारा मॉड्यूल नंबर 13 है विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग। इसका दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 9 है हमारा, आम बोलचाल की भाषा में फिल इन द ब्लैंक्स प्राधिकारी या शक्ति वाले व्यक्ति को माना जाता है जो संगठन का नेतृत्व करते हैं, विद्यार्थी, अध्यापक या नेतृत्वकर्ता। तो जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें जो संगठन का नेतृत्व करता है और उसमें प्राधिकारी भी होता है, शक्ति वाला व्यक्ति होता है, उसको हम नेतृत्वकर्ता कहते हैं। तो इसका लास्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 हमारे सामने है, शक्ति कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, 3 प्रकार की, 2 प्रकार की या 4 प्रकार की? तो साथियों, जब हमने मॉड्यूल नंबर 13 को पढ़ा था तब हमें बताया गया था कि शक्ति हमारी 3 प्रकार की होती है। पहली शक्ति जो होती है वह होती है हमारी बल आधारित शक्ति। दूसरी शक्ति होती है हमारी लाभकारी शक्ति, जैसे पैसा या नगद जो भी कुछ आपका होता है इसे लाभकारी शक्ति कहते हैं। और तीसरी आपकी होती है मानकीय शक्ति, जो किसी मानदंड, नियमों और विनियमों से संबंधित होती है उसको मानकीय शक्ति कहते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो में मैंने आपको 10 प्रश्न बताए। अगर कोई ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है तो आपके लिए बहुत मददगार होंगे, इसीलिए मैं इसको बंद नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही अगर मान लीजिए एकदम से डेट घोषित हो गई तो हमें तैयारी करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक दिन मैं 10 प्रश्न आपके लिए लेके आता हूँ। आपको केवल 10 प्रश्न पढ़ने हैं और हो सके तो आप इनको लिख भी लीजिए। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।